आगे हम क्या चाहते हैं, सबके आगे वोट बड़ी मांगे लागू करो अपना हक मारी मांगे पूरी करो अपना हक। हमारा ये पे अनामली का मसला है, बहुत हैराना मसला है, 1991 से चला आ रहा है। आज तक किसी भी हुकूमत ने इस मसले को हल करने की हिमाकत नहीं की, जबकि इलेक्टेड गवर्नमेंटें आई, उन चीफ मिनिस्टर साहबान से भी मिले और ख़ास करके एलजी साहबान से भी मिले, सबों ने लारे वादे और झांसे ही दिए और हमारा टाइम किल किया और इस मसले को हल नहीं किया। अभी 1.5 साल हो गए हमें एलजी मुद्दे से मिले थे, एलजी साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि आपका जेन्युइन केस है तो मैं वेरी शॉर्टली इसको हल करूँगा, लिहाजा आज तक किसी ने इस मसले को हल करने की हिमाकत नहीं की। हम आपके माध्यम से ये भी उनको बावर कराना चाहते हैं कि कम से कम ये हमारे साथ इंसाफ किया जाए तो हमें रात की सांस मिले। और उसके बाद ये जो मेडिकल अलाउंस है वो 300 रुपया दिया जाता है, जबकि इस ये हमें जे एंड के एम्प्लॉय को और सेंट्रल एम्प्लॉय को 1000 रुपया दिया जा रहा है 2017 से। ये भी बहुत बड़ी हमारे साथ ज्यादती और बेइंसाफी है। हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ भी ये कम से कम 1000 रुपया मेडिकल अलाउंस होना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि जो कंप्यूटर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने, गुजरात हाई कोर्ट ने, MP हाई कोर्ट ने ये पेंशनर के हक में दिया था कि भाई जो कंप्यूटर है वो 10 साल 8 महीने जो उनका काटा जाएगा, तो लिहाजा इधर हमारी स्टेट में 15 साल तक वो कंप्यूटर हमारा काटा जाता है, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वो स्टैंडर्ड रेट लगाया जाता है, जबकि नो वी आर सीनियर सिटीजन, हमें सीनियर सिटीजन की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। तो ये भी एक हमारे साथ बहुत बड़ी लूट है और दिन दोपहर ये हमारे साथ लूट किया जा रहा है। तो मैं अली साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस लूट को फौरी बंद किया जाए कि भाई ये इन रिटायरी लोगों के साथ इनका खून मत खाया जाए और इनको इंसाफ दिया जाए और इनका बनता हक इनको मिले और हमारी भी 10 साल 8 महीने जो है कंप्यूटर की पीरियड होना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि जो रिटायर पर जब हम लोग आते हैं तो रिटायरमेंट के बाद साल साल हमारी जो पेंशन जो उनकी सेटल नहीं होती, लोग बेचारे सफ़र करते हैं, किसी ने बच्चों की शादी करनी है, किसी ने मकान बनाना है, कोई किसी हालत में है और कितनी मुश्किल का सामना करता है, सारी ज़िंदगी वो सफ़र करता है और लास्ट में वो ये उम्मीद लेके जाता है कि मैं लास्ट में आराम करूँगा, पर इधर आकर और उल्टा सफ़र करता है। और अब मैं LG साहब से और DG साहब से ये कहूँगा कि भाई जिस तरह आर्मी का जो है फैलाओ कन्याकुमारी से ले तक है, तो वो उनकी जो पेंशन है जब वो रिटायरमेंट पर आते हैं 1 महीना पहले उनकी ड्यू एंड ड्राफ्ट सब कुछ सेटल होकर पेंशन फिक्स हो जाती है, जब वो वहाँ से निकलते हैं गेट से तो उनको दिया जाता है। हमारे में क्यों नहीं, ये 400-500 किलोमीटर एरिया हमारा स्टेट का, तो इधर